सीताबर्डी थाना अंतर्गत वीआईपी रोड से एक छात्र का अपहरण कर लूटपाट करने वाले दो आरोपियों को क्राइम ब्रांच यूनिट 2 की टीम ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। मामले में लिप्त दोनों ही आरोपी को बालाघाट से पकड़ लिया गया है। एक के खिलाफ मध्य प्रदेश में आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी भी सामने आई है। पकड़े गए आरोपियों में बालाघाट निवासी विशाल लक्ष्मण परते उम्र 19 वर्ष और सिद्धार्थ सुनील यादव उम्र 19 वर्ष का समावेश है। विशाल का भाई MIDC थाना क्षेत्र में रहता है और मजदूरी का काम करता है। दोनों आरोपी उससे मिलने नागपुर आए थे। दो दिन के लिए भाई किसी काम से बाहर चला गया। दोनों के पैसे खत्म हो चुके थे। 12 जून को वापस बालाघाट लौटने के लिए आरोपियों ने MIDC परिसर से एक बाइक चोरी की, लेकिन बालाघाट तक जाने के लिए पेट्रोल नहीं था। ऐसे में VIP रोड पर आरोपियों को 15 वर्षीय आयुष दिखाई दिया। आयुष पर मोबाइल चोरी करने का आरोप लगाकर आरोपी उसे बाइक पर साथ ले गए। प्रताप नगर क्षेत्र में आयुष से ही UPI पेमेंट करवाया और गाड़ी में पेट्रोल भरवाया। इसके बाद आरोपियों ने आयुष का फोन छीन लिया, उसे पार्टी में छोड़कर वहां से भाग गए। सीतापट्टी पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच भी जांच में जुट गई थी। CCTV फुटेज में गाड़ी का नंबर नहीं मिल रहा था। आरोपियों ने बालाघाट जाकर आयुष का फोन शुरू किया और पुलिस को सुराग मिला। लोकेशन के जरिए पुलिस बालाघाट पहुंच गई और दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मोबाइल भी जब्त कर लिया। बाइक के बारे में पूछताछ करने पर चोरी की होने का पता चला। तब तक बाइक के मालिक ने पुलिस से शिकायत भी दर्ज नहीं की थी। सिद्धार्थ के खिलाफ लूटपाट और चोरी के मामले दर्ज हैं। आगे की जांच सीताबर्डी पुलिस कर रही है। DCP मुमक्का सुदर्शन और ACP संजय जाधव के मार्गदर्शन में इंस्पेक्टर राहुल शिरे, API गजानन चांभारे, हेड कांस्टेबल संतोष सिंह ठाकुर, सचिन बड़िए, सुनील कुंवर, संदीप पांडे, आशीष धंद्रे और विवेक श्रीपाद ने कार्रवाई को अंजाम दिया। दिनांक 12/6/2023 ला रात्रीच्या वेळेस 8:30 सुमारास VIP रोड धरमपेठ नागपूर येथे एक बालक आईस्क्रीम खाण्यासाठी फिरायला आलेला होता। त्या दरम्यान एक विधी संघर्षग्रस्त बालक आणि एक मेजर आरोपी नामे विशाल परते या दोघांनी त्याचा मोबाईल चेक करतो असं सांगून त्याला गाडीवर बसवलं आणि गाडीवर बसून पार्डी परिसरामध्ये गाडी घेऊन गेले। जातावेळी गाडीमधून त्यांची गाडी ड्राय झाल्यानंतर त्यांच्या गाडीमध्ये 400 रुपयामध्येच्या फोनपे नी त्या गाडीमध्ये पेट्रोल टाकलं आणि अशा पद्धतीनं त्याला गाडीनं पार्डी परिसरामध्ये घेऊन जाऊन त्याच्या ताब्यातला मोबाईल हिसकावून घेतला आणि पळून गेले। अशा पद्धतीची आपल्याकडे रिपोर्ट प्राप्त झाली होती। नमूद रिपोर्टवरून अपराध क्रमांक 321/23 कलम 363/392/34 बहादरीप्रमाणे पोलीस ठाणे सीताबर्डी येथे गुन्हा दाखल आहे। नमूद गुन्ह्यातील आरोपी विशाल परते आणि त्याच्यासोबतचा जो विधी संघर्षग्रस्त बालक आहे या दोघांनाही लालबर्रा जिल्हा बालाघाट मध्य प्रदेश येथून युनिट 2 गुन्हे शाखा नागपूर यांनी ताब्यात घेतलं आणि पोलीस स्टेशनला आणलेलं आहे। नमूद गुन्ह्यातील एक विधी संघर्षग्रस्त बालक आणि एक आरोपी सध्या अटक आहे। आरोपी सध्या MCR। प्राथमिक तपासामध्ये असं निष्पन्न झालेलं आहे की यातील जे आरोपी इसम आहेत ते कामाच्या शोधानिमित्त नागपूर शहरामध्ये आलेले होते, परंतु त्यांना काम मिळालं नाही। त्यामुळं MIDC परिसरातील देशी भट्टी दारूच्या दुकानासमोरून त्यांनी एक 2-व्हीलर गाडी चोरी केली आणि काम न मिळाल्यामुळे ती गाडी चोरी करून पैशाचा शोध घेण्यासाठी म्हणून पैसा मिळवण्यासाठी त्यांनी या मुलाला किडनॅप करून त्याचा मोबाईल वगैरे ताब्यात घेऊन हे गुन्हा केलेला आहे असं प्राथमिक तपासामध्ये निष्पन्न झालेलं आहे। NBCN न्यूज के लिए अक्टेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।